हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल येलो लाइफ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में जो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो अपर लिप्स हो जाती हैं और हमारे फेशियल हेयर हैं, उनको हम घर पर ही रिमूव कैसे करें। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम पार्लर नहीं जा पाते हैं, बहुत कुछ काम ऐसे हो जाते हैं हमें जो बहुत जल्दी करने पड़ते हैं, या कहीं हमें जल्दी जाना पड़ जाता है और हमारी जो अपर लिप्स हैं वो बहुत भद्दी लगती हैं, तो पार्लर जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसको हम जो है घर पे ही रिमूव कैसे करें। तो फर्स्ट तो जो हमारे ट्रिमर आते हैं, जो पेनलेस ट्रिमर होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसको भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या कई बार क्या हो जाता है कि वो ख़राब हो सकता है या उसमें चार्जिंग ना हो, तो उसके बाद जो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें जो है अपना थ्रेड लेना है। अगर आपके पास ऐसा थ्रेड नहीं है तो आप जो अपनी सिलाई मशीन में यूज़ करती हैं वो वाली भी ले सकती हैं। और इसको इतना ले लेना है, इसको यहाँ से हम काट देंगे। फिर जो है इसके दोनों जो हिस्से हैं उसको मिलाकर हम एक नॉट लगा देंगे, एक कैची बना लेंगे। और फिर जहाँ से हमने बाल रिमूव करने हैं वहाँ ऐसे लगा लेंगे। ऐसे करते हुए हम जो है अपने अपर लिप्स के जो बाल हैं उनको निकाल लेंगे। और जब हमें इसको चलाना है ना धागे को, तो हम क्या करेंगे कि अपनी टंग को उस एरिया पे लगा लेंगे, उसको स्ट्रेच कर लेंगे टंग की हेल्प से। ऐसा नहीं कि बिना टंग लगाए और हम ऐसे धागा चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारी स्किन कट सकती है। तो हमें जो है अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है टंग की हेल्प से। और इस वाले एरिया को हम ऐसे करके धागा चलाएंगे और हमारे बाल जो है काफी अच्छे से निकल जाएंगे। इसको करने के लिए हमें थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम ऐसा रेगुलर करते रहेंगे तो इतना इजी हो जाएगा हमारे लिए ये काम करना, और इससे जो है हमें पेन भी नहीं होता, क्योंकि खुद से कर रहे हैं ना तो इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है और हमें पता होता है कि हमें अपनी स्किन को कितना स्ट्रेच करना है। तो बहुत इजी हो जाता है अपने अपर लिप्स को रिमूव करना, मुझे काफ़ी सही लगता है ये। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में ना तो मेरा ट्रिमर चार्ज हो पाता है और मुझे कहीं जाना भी होता है, तब जो है मैं ऐसे ही धागे से अपने जो अपर लिप्स है उसको रिमूव कर लेती हूँ। और अपनी जो अपर आईब्रोज के बाल होते हैं ना, वो भी मैं इससे ही निकाल लेती हूँ। फोरहेड भी मैं इसी से कर लेती हूँ। यही टेक्निक है, अगर आप जैसे फ्री होती हैं उस टाइम में भी आप ऐसे करके ऐसे बना के धागे को चलाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपके फेशियल हेयर भी हैं बहुत ज़्यादा तो उनको भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी सही लगा, काफ़ी आसान लगा। अगर आपको भी आसान लगा हो या आपको सही लगता है ये वाली टेक्निक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको यूज़फुल लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे करके भी देखिएगा, आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। आप जो है अपने अपर लिप्स को इजीली रिमूव कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रिमर भी जो है ना बाल निकाल देता है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ होती है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है उनसे, क्योंकि वो अंदर से नहीं निकालते हैं बालों को। और अगर हम थ्रेड से निकालते हैं तो बाल जो है बिल्कुल जड़ से निकलते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको फिर ग्रोथ करने में। एटलीस्ट 15 डेज लग जाते हैं, क्यों, वैसे भी मेरी ग्रोथ कम है, मुझे 15 डेज ही लगते हैं दोबारा अपर लिप्स करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।